नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात, बंदे और कुफर के दरमियान जो चीज फर्क करती है वो नमाज है। ये अल्फाज जो है वो शराब के लिए नहीं आए, जिना के लिए भी नहीं आए, चोरी के लिए भी नहीं आए, सूद के लिए भी नहीं आए, कि कुफर तक ले जाने वाले अमल। हालांकि जिना जो है वो अकबरुल कबायर में से है, कत्ल अकबरुल कबायर में से है, सूद भी बड़े गुनाहों में से है, ये बड़े बड़े गुनाह है, लेकिन इनके साथ कुफर का तस्करा नहीं आया। लेकिन जब नमाज छोड़ने की बात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बंदे और कुफर के दरमियान जो चीज फर्क करती है वो नमाज है। मैं जरा सख्त अल्फाज में समझाने के लिए कह दूं ताकि पता लगे कि यूं कह लें कि कोई शख्स ये कहे भाई कि ये जो बंदा नमाज पढ़ रहा है ये मुसलमान है, ये जो नमाज नहीं पढ़ रहा ये काफिर की तरह है, कितना बुरा लगेगा ना। लोग हम कितने उस पर सेंसिटिव हो जाते हैं जी कि आपने काफिर कह दिया। मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी को काफिर कह रहा हूँ, लेकिन हदीस के अल्फाज से क्या पता लगता है कि बंदे और कुफर यानी नमाज का छोड़ना ऐसे ही है कि जैसे कुफर है। इतना बड़ा गुनाह है नमाज का छोड़ना। कभी कभी हम लाइलमी में कर रहे होते हैं, असल में अगर किसी ने हदीस नहीं सुनी एन मुमकिन है कि हदीस सुनने के बाद उसको रियलाइज हो जाए कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है। तो ये इल्म की कमी भी होती है।